हालेलुया। तो ये बहुत अच्छी बात जो सिस्टर ने नोटिस करा है, तीन चीज़ें बनती हैं पूरा बाइबल में, है ना, एक नूह का कश्ती, दूसरा मूसा का तंबू और तीसरा कलीसिया। तीनों के लिए एक ही चीज़ है, जैसा परमेश्वर बनाना चाहता है वैसे ही बनाएंगे, है ना। जैसे अभी सिस्टर ने मेंशन किया है कलाम में से, दस नोहा डिड अकॉर्डिंग टू ऑल दैट गॉड कमांडेड हिम सो ही डिड, है ना। यही चीज़ जो है ये बार बार लिखी गई कि नूह ने वही किया, सात का ये छः का बाईस में भी है और सात का पाँच में भी है, एंड नोहा डिड अकॉर्डिंग टू ऑल दैट द लॉर्ड कमांडेड हिम। यही चीज़ जो है, यही सेम चीज़ जो है आप मोसेस के टैबरनेकल में भी देखते हैं। निर्गमन एक्सोडस 40 अध्याय जब आप देखते हैं, 40 चैप्टर देखते हैं, तो उधर भी यही लिखा है, बार बार वो वर्ड दिया गया है कि मोसेस डिड अकॉर्डिंग टू ऑल दैट द लॉर्ड कमांडेड। मूसा ने भी पूरा हाइट मेजरमेंट बिल्कुल वैसा ही रखा जैसा परमेश्वर ने उनको आज्ञा दिया था, ठीक ऐसे ही जैसे नूह ने किया। हम सेवकों के लिए भी कलीसिया का जो कंस्ट्रक्शन है, जो कलीसिया को हम बिल्ड कर रहे हैं, हमने भी हम घूमने क्यों गए मैक्लोडगंज, हमने आउटिंग क्यों रखा, क्योंकि देखो हमने अगर किसी चीज़ में आनंद करना है या किसी चीज़ में एंजॉय करना है, आनंद करना, मानो हमने खुशी मनाना, तो खुशी मनाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। ये सीखने के लिए हम मैक्लोडगंज गए, पहाड़ों में गए, कि ऐसे भी खुशी मनाया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हमने प्रभु के कलाम को तोड़कर ही खुशी मनानी है, है ना। जो हम कहते हैं कि एक तो दिन आता है 25 दिसंबर का हम मसीह लोगों का और खुशी मनानी होती, खुशी मनाने के और भी बहुत सारे तरीके हैं हमारे पास, है ना। हम ऐसे भी खुशी मना सकते हैं, हम इकट्ठे हो सकते हैं, इकट्ठे होके हम साथ में भोजन कर सकते हैं, घूमने कहीं जा सकते हैं, आउटिंग के लिए कहीं जा सकते हैं, मिलकर वर्शिप कर सकते हैं। और हमारे यहाँ पर जिस दिन प्रभु भोज होता है, हमारे लिए वो कोई फीस्ट से कम नहीं होता। जिस दिन हम प्रभु भोज यहाँ पर करते हैं, सब दूर दूर के सब लोग जो ऑनलाइन भी सुनते हैं, वो भी दूर दूर से सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं और हम मिलकर प्रभु के मेज में शामिल होते हैं, तो वो हमारे लिए किसी फीस्ट से कम नहीं होता। हमें खुशी मनाने के लिए प्रभु की आज्ञाओं को तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, परमेश्वर के कलाम को ट्विस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हमें खुशी मनाने के लिए और भी बहुत सारे आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हो सकते हैं, है ना। इकट्ठा होना या कहीं पर जैसे हमने आउटिंग किया तो हमने खुशी मनाया, तो अलग अलग तरीके हो सकते हैं। तो हमें प्रभु का आज्ञा नहीं ट्विस्ट करना है, प्रभु के कमांडमेंट्स को ट्विस्ट नहीं करना। तो तीन चीज़ें मेन बनती हैं, पहली नूह का कश्ती, दूसरा मूसा का टैबरनेकल, द टैबरनेकल ऑफ मोसेस, या द टैबरनेकल ऑफ मीटिंग, मिलाप वाला तंबू जिसे कहते हैं, और तीसरा जो है वो कलीसिया है, चर्च, एक्लीसियस, है ना। तीनों को बनाने के लिए विधि यहोवा ही बताएगा, परमेश्वर ही बताएगा, है ना। हम अपनी तरफ से उसमें से कुछ भी ऐड नहीं कर सकते, इसको आकर्षित करने के लिए, इसको अच्छा दिखाने के लिए, खूबसूरत लगने के लिए हम अपनी कारीगरी इसमें नहीं कर सकते हैं। जैसा परमेश्वर ने बताया है, दिखाया है, हमने ठीक वैसा ही इसको बनाना है, चाहे वो कलीसिया है, टैबरनेकल, उसका समय तो निकल गया, और जो नूह की कश्ती उसका भी समय निकल गया। अब के समय में कलीसिया का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जिसमें लोग शामिल हो रहे हैं, जिसमें लोग बचाव पाएंगे, और इसको भी अगर बनाना है तो हमारा टीचिंग्स, कल हम चर्चा कर रहे थे, जैसे भाई सर्वजीत ने बात किया था कि कलाम जो कहता है कि परमेश्वर का प्रेम जो है वो कंडीशनल है, है ना। अनकंडीशनल एक सर्टन लेवल तक है, जब यीशु मसीह ने सलीब पर जान दी, वहाँ पर कोई कंडीशन नहीं है कि तुम पहले शुद्ध हो तब मैं तुम्हारे लिए जान दूंगा, वहाँ पर कोई कंडीशन नहीं है। उद्धार और मुक्ति के लिए कोई कंडीशन नहीं, उद्धार पाने के बाद कंडीशन ही कंडीशन है। आप यदि प्रॉमिसेस चाहते हैं परमेश्वर की ओर से, खुदावंत के कलाम में लिखा है कि जब आप इब्रानियों की पत्री पढ़ते हैं, उसका 10 अध्याय उसका 36 आयत पढ़ते हैं, तो उधर लिखा है तुम्हें धीरज धरना अवश्य है कि तुम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करके प्रतिज्ञा पाओ। मैं वो पढ़ देता हूँ आपके बीच में कलाम, फॉर यू हैव नीड ऑफ एंड्योरेंस सो दैट आफ्टर यू हैव डन द विल ऑफ गॉड, आफ्टर यू हैव डन द विल ऑफ गॉड यू मे रिसीव द प्रॉमिस।
यू मे रिसीव द प्रॉमिस। कब 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 वायदे मिलेंगे परमेश्वर के हमें, कब वायदे यहोवा के हमारे जीवन में लागू होंगे? तब जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेंगे, है ना। अब पूरा बाइबल में, इंटायर बाइबल में आपको जितने भी प्रॉमिसेस देखते हैं, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी ना त्यागूंगा, तुम आग में से होकर चलोगे वे तुम्हें जला ना सकेंगे, तुम पानी में से होकर चलोगे वे तुम्हें डुबा ना सकेंगे, आई हैव गुड प्लान्स फॉर यू, तुम्हारी कुछ भी हानि ना होगी, तुम मौत के साए की वादियों में से होकर चलोगे तुम्हारी कुछ भी हानि ना होगी, मैं तुम्हें बहेलिए के जाल से छुड़ाऊंगा, तुम सांपों और बिच्छुओं को रोंदोगे। जितने भी प्रॉमिसेस हैं, जितने भी वायदे हैं, सब सब इधर आकर कंडीशनल हो गए कि तुम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलोगे तभी वो लागू होते हैं तुम्हारे ऊपर, है ना। जैसे भजन संहिता साम 91 है, उसमें आप कितने प्रॉमिसेस देखते हैं, परमेश्वर चार्ज करेगा अपने दूतों को आपके आपके लिए प्रोटेक्शन करने के लिए, ताकि आपके पैर जो है वो पत्थर से ठेस ना लगे। तो वो कब होगा, वो पहली आयत जब पढ़ते तो उधर लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में रहता है, जो परमेश्वर की हजूरी में रहता है, जो उसके पंखों की आड़ में छुपता है, उसके लिए लिखे गए। तो कंडीशंस ही कंडीशंस हैं बाइबल में। हाँ, उद्धार के लिए कोई कंडीशन नहीं है। आप पाप की अवस्था में प्रभु के पास आते हैं और प्रभु यीशु मसीह के पास आकर आपका मिलाप जो है वो पवित्र परमेश्वर के साथ हो जाता है, उसमें कोई कंडीशन नहीं। बट उसके बाद कलाम कहता है, कल भी हमने कलाम में से पढ़ा था कि सेकंड जॉन उसका 9 आयत में लिखा है कि जो मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाते हैं उनके बीच में परमेश्वर पिता नहीं है ना ही पुत्र है। तो वो कंडीशन है, चरवाहे के पीछे चलना है, चरवाहे के आगे बकरी चलती है। आपने जब हम पहाड़ों में चल रहे थे तो वहां पर एक चरवाहा पास से गुजरा था और बकरियां देखी थी, चरवाहा जो है पीछे से डंडा लेकर उनको आगे भगा रहा था। तो वो बकरियों की निशानी, भेड़े जो है, भेड़ों का जो चरवाहा वो एक विसल करता है या आवाज़ निकालता है, वो आवाज़ को पहचान के उसी वक्त उसको फॉलो करती है, उसी वक्त उसको फॉलो करती, कमांड को फॉलो करती है। ये भेड़ की निशानी है कि वो कमांड को फॉलो करती है भेड़। तो भेड़ है, तो भेड़ के साथ जो भी जुड़े हुए वायदे हैं वो सब आपके लिए है, वो यहोवा आपके लिए रखा है, है ना। आपका प्रोवाइडर वो तभी होगा जब आप उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, आपका हीलर वो तभी होगा जब आप उसके कहने को मानेंगे, आपका जिम्मेदारी वो उठाएगा, आपकी रखवाली वो करेगा, आपकी तमाम ज़रूरतों को वो पूरा करेगा। सब जगह पर कंडीशन ही कंडीशन है। भजन संहिता आप जब भी पढ़ते, 127 पढ़ते, 121 पढ़ते, 124 पढ़ते हैं, तो उधर भी यही लिखा है, कहना जो परम प्रधान परमेश्वर के भय में चलता है, जो परमेश्वर के भय में चलता है, उसकी पत्नी जो है बढ़ती दाखलता के समान घर के भीतर होगी, और उसके बच्चे जलपाई के पौधे के समान उसके मेज के चारों ओर होंगे, और वे अपनी कमाई को खाने पाएगा। कहता आगे लिखा है, कहता जो यहोवा का भय मानता है वह ऐसी ही आशीष पाएगा। उधर जो आ गया, तो जो माने कंडीशन है, तो कंडीशंस ही कंडीशंस हैं प्रभु के वचन में। अब जो वचन के अनुसार तैयार नहीं हो रहा है चर्च, जो कलीसिया में कलाम नहीं है, जो कलीसिया प्रभु की आज्ञा, प्रभु की इच्छा के अनुसार बिल्ड नहीं हो रहा है, वो कलीसिया, वो प्रभु की कलीसिया असल में है ही नहीं। एक वचन पढ़ के इस टॉपिक को हम क्लोज करेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 7 अध्याय, कोई जन पढ़ दीजिए, 7:16 से। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मेरा उपदेश मेरा नहीं, हाँ, परंतु मेरे भेजने वाले का है। हाँ, यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं कि मेरा उपदेश, माई डॉक्ट्रिन इज नॉट माइन बट हिज हु सेंट मी। मेरा उपदेश मेरा नहीं परंतु उसका है जिसने मुझे भेजा है। आगे, यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे तो हाँ, वह इस उपदेश के विषय में जान जाएगा। हाँ, जान जाएगा कि ये परमेश्वर की ओर से है या मैं अपनी ओर से कहता हूँ। हाँ, यीशु मसीह कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति परमेश्वर के पास परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए आता है तो वो व्यक्ति जान जाएगा कि मेरी शिक्षा जो है वो परमेश्वर की ओर से है। अब डॉक्ट्रिन कौन सी प्रभु की ओर से है, कौन सी नहीं है, कैसे पता चलेगा? जब हम परमेश्वर के पास परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए आएंगे। अब मोस्ट ऑफ द चर्चेस जो हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल जो हैं, लोग जो हैं, वो परमेश्वर के पास परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए तो आते ही नहीं है। सबकी अपनी अपनी विश लिस्ट है,
कि प्रभु मेरा ये काम कर दो, प्रभु मेरा ये काम कर दो, प्रभु इधर फंसा हूँ निकाल दो, प्रभु ये पैसा अटका है ये पैसा निकाल दो, प्रभु मैं बीमार हूँ मैं चंगा होना चाहता हूँ, सब अपनी ही इच्छा को पूरा कराने के लिए उधर आते हैं कलीसियाओं में। कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के पास इस मनसा से नहीं आता है कि हे प्रभु मैं इधर आपकी मर्जी को पूरा करने आया हूँ, ऐसा एक भी नहीं है, ऐसा कोई भी नहीं है। गिने चुने होंगे, वो भी ठोकरे खा खा के सीखे होंगे कि नहीं मुझे तो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना होगा, उसी में मेरी भलाई है, है? तो वही जान सकता है कि ये प्रभु की ओर से है ना। अब सही शिक्षा की पहचान करना जो है वो सिर्फ ऐसा नहीं कि प्रभु मेरे साथ धोखा हो गया, मैं तो चर्च आया था परंतु मुझे गलत सेवक मिला, नहीं, आप किस मनसा से प्रभु के पास आए थे वो भी मैटर करता है। क्या आप परमेश्वर के पास परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए आए? परमेश्वर आपको चरवाहा भी अच्छा तो ही देगा, नहीं तो आपको लूटने वाला देगा। अगर आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए आएंगे तो परमेश्वर आपको चरवाहा भी अच्छा ही देंगे। हालेलुया। तो तीन चीजें बनी है, तीनों की तीनों परमेश्वर की कमांड के अनुसार ही बनना है। नूह का कश्ती, मिलाप वाला तंबू और तीसरा कलीसिया चर्च। हालेलुया। चर्च ने भी वैसे ही बनना है। इधर लिखा है चर्च व्यभिचार ना करे तो फिर नहीं करना है, इधर लिखा है चर्च चोरी ना करे तो फिर नहीं करनी है, चर्च झूठ ना बोले तो फिर नहीं बोलना है। वैसे ही बनोगे तो फिर बचोगे, नहीं बनोगे ऐसे तो फिर नहीं बचोगे। हाँ जी, और क्या सीखा? उत्पत्ति 1-10 बोलिए। ये बाइबल पढ़ने वालों का स्पेशल क्लास है, बाकी लोग नहीं आए देख लो, सिर्फ 8 लोग हैं, वो लोग मिस कर रहे हैं ना ये सारी चीजें जो हम डिस्कस कर रहे हैं।